एक बड़ी खबर आ रही है, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर शराब ठेके में घोटाले का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के पीएस का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कथित तौर पर रावत का पीएस शराब के ठेके के लिए रिश्वत ले रहा है। हालांकि हरीश रावत ने आरोपों से इनकार किया है। उसमें परिवर्तन ले आकर के उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए मिडिलमैन को ले आकर के उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमेंडमेंट किया है, ये एक षड्यंत्र के तहत ही किया गया है ऐसे लग रहा है। और उसके तहत ये मिडिलमैन इनके साथ मोहम्मद शाहिद जो पीएस है उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कितना देना, कहां देना, कब देना। पहले 20% देंगे, फिर बाद में 70% देंगे, इधर नहीं देंगे, दिल्ली में देंगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हर विषय इधर बाहर चले जाता है, ऐसे पूरे विवरण के साथ चर्चा हुई है। उस चर्चा का स्टिंग है, इसको आज एक थर्ड पार्टी ने दिखाया। समझता हूँ शराब के ठेकों के विषय में तो पहले ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, नीला लॉटरी वाली, वो पहले ही पूरी हो चुकी है, चाहे देशी शराब के हों या जो है, वो अपने लिए एक आप क्लॉज है। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि कोई प्राइवेट पर्सन जो है इन्वॉल्व नहीं है। आप कल की संभावना पर मुझसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं, और जो है कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, केवल है तो वेंडिंग के स्तर पर है, और वो लॉटरी सिस्टम से होता है, और वो मार्च के महीने में हो चुका है। मैं इस तरीके की चीजों पर कमेंट कैसे करूंगा, जब तक क्या आप जो है उसकी सत्यता को सत्यापित कर रहे हैं।